तिहार गोलीकांड में अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है और परिवार वालों की लगातार शिकायत के बावजूद भी अब तक एफआईआर नहीं की गई है। पुलिस को जांच रिपोर्ट का इंतजार है और कटिहार में बिजली की मांग पर बवाल ऐसा मचा कि दो दिन पहले आपको याद होगा पुलिस ने गोली चला दी। मांगी गई थी जनता की तरफ से बिजली लेकिन मिली उनको गोली और इस फायरिंग में दो लोगों की जान चली गई थी जबकि तीसरा शख्स वो जद्दोजहद कर रहा है अपनी जिंदगी बचाने के लिए वो घायल है। ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से पुलिस वालों ने पत्थरबाजी भी की थी और गोलियां चला दी गई थी। ओपन फायर हुआ था जिसमें दो लोगों की जान चली गई थी। इसको लेकर बिहार में आक्रोश का दौर देखने को मिल रहा है। सियासत भी काफी तेज है और ये देखिए पुलिस वाला बंदूक के साथ नजर आ रहा है। लाल घेरे में आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से ओपन फायरिंग की गई थी। दो लोगों की जान चली गई थी। भीड़ पर सीधा फायर जबकि विरोध प्रदर्शन की इजाजत है। ये तो लोकतंत्र में विरोध लोगों को करने का हक है, संविधान भी देता है, लेकिन क्या अगर कोई बात अपनी रखेगा, अगर विरोध करेगा तो आप गोली मार देंगे। इसको लेकर बिहार की सरकार, नीतीश सरकार सवालों के घेरे में है।